युग त्रेता द्वापर में हम गणे दुखी नहीं थे। वातावरण बढ़िया था, तगड़े तगड़े शरीर थे, लंबी लंबी आयु थी, स्वस्थ शरीर था। मृत्यु कुदे कुदे हुआ करती। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा को मालूम था कि जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, पुण्य कति खत्म हो जाएंगे, और जिन साधनाओं को ये सतयुग त्रेता में कर रहे थे उस समय उनको सुख हो रहा था, उनसे ऐसा लग रहा था, उनसे सुख नहीं हो रहा था, वो तो आपके संस्कार ही मिल रहे थे। अब कलयुग में परमात्मा को मालूम था काल जो है, अब काल ने क्या कहा था कि कलयुग के अंदर, हाँ ये प्रसंग बाद में सुनाएगा दास आपको, जो प्रसंग ये चल रहा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में आप इतने दुखी नहीं होते, इसलिए भगवान से दूर रहते हैं, और जो साधना आप कर रहे होते हैं उनसे ये सोचते हो कि इसी से मुझे लाभ हो रहा है। और अब आपको जो साधना भी कर रहे हो और उसे लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि पहले तो आपके पुण्य थे वही फल रहे थे, आप सोच रहे थे इस साधना से हो रहा है। अब क्या किया काल ने, जब परमात्मा ने कहा काल से कि मैं नीचे जाऊंगा, तेरी पोल खोलूंगा और सबको यथार्थ भक्ति यथार्थ ज्ञान बताऊंगा, सच्चे भगवान के बारे में जानकारी दूंगा और सबको नाम दे करके वापस पार करूंगा, इसलिए मैं नीचे जाऊंगा। तो काल कहते हैं एकदम इतना मेरे ऊपर टूट का पड़ा, धर्मदास जी को बता रहे हैं परमात्मा कबीर जी, तो मैंने धर्मदास सतनाम का सिमरन शुरू कर दिया और उस सतनाम के सिमरन से ही उस पर इतना बुरा अफेक्ट हुआ कि इतना भयंकर रूप धारण करके मुझ मेरी तरफ चला था, वो एकदम ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी के पंख कट जाया करते हैं, पड़ा पड़ा तड़पता है, वो विवश हो जाता है उड़ने में। ये स्थिति आ गई, ऐसे बिलख रहा पड़ा पड़ा, एक सिमरन का इतना असर हुआ उस पर। तो पुण्यात्मा यहाँ परमात्मा हमें भी सतर्क करते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आ जाए तो संसार के किसी व्यक्ति को मत याद करना, इस मंत्र को जाप करना। प्रथम मंत्र मिला है, प्रथम मंत्र का जाप कर दियो, सतनाम मिला सतनाम का सिमरन श्वास से कर दीजिए, सारनाम मिला है तो सारनाम का सिमरन अपना कर दीजिए। सतनाम मिलने के बाद सतनाम का सिमरन करें, ऐसी आपत्ति में प्रथम मंत्र नहीं करें, सारनाम मिलने के बाद फिर सतनाम का सिमरन नहीं करें, वो सारनाम ही करें। प्रथम मंत्र मिला है तो प्रथम मंत्र ही करें, उसमें भी बहुत पावर है, ताकत है। तो ये स्थिति है, तो उस पर कहते हैं मैंने सिमरन किया तो वैसे ही गिर गया, तो समझ गया कि इसके पास कोई प्रबल मंत्र है जिस कारण से मैं विवश हो गया, चरणों में आके गिर गया, पैर पकड़ लिए घिसड़ घिसड़ का आके परमात्मा कबीर जी के। तो कहने का भाव ये है कि उस समय उसने क्या मांगा था, चरण पकड़ कर कहने लगा भाई आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, क्योंकि परमात्मा जोगजीत रूप में थे। और क्या कहता है कि छोटे तो गलतियां करते ही करते हैं और बड़े अक्षमा किया करते हैं, आप बड़े भाई हो, बालक कितनी गलती कर दे, मैं तो आपको पिता के समान मानता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा कबीर साहब। परमात्मा कहते हैं मैंने उससे कहा कि ठीक है, क्षमा कर दिया। फिर कहता है कि एक काम करो, मेरे लोक में कुछ तरूटी हैं, आप तो परमात्मा तुल्य हो, आप तो उसी की शक्ति लेकर आए हो, मेरे लिए तो आप ही परमात्मा हो, आप ही पिता हो, मेरी कुछ त्रुटियां हैं, मेरे पास कुछ अभाव है, उसकी पूर्ति करो, दया करो। परमात्मा बोले बोल भाई क्या मांगे, ऐसे नहीं वचनबद्ध हो जाओ। परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए। तब इसने क्या मांगा कि तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहुत जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब तुम गमन संसार ही कीजे, कि तीन युग में जीव थोड़े जा और चौथे युग में आप कितने जीव ले जाना। परमात्मा बोले भाई ठीक है,
चल ऐसी मान लेंगे हम तो कलयुग में ले जाएंगे। एक और है मेरी प्रार्थना, परमात्मा बोले बोलो क्या है, कि आप अपना ज्ञान बता कर ले जाना, जो आपके ज्ञान को माने आपके और आपके ज्ञान को ना माने वो हमारे, आप बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को पता था कि बलपूर्वक वहाँ कोई ले जाया गया डट्टे भी को नहीं, वहाँ रुक भी नहीं सकते जब तक ये ज्ञान हृदय में नहीं समाओगा। परमेश्वर की वाणी है कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए और देखा देखी भक्ति का यूँ रंग नहीं ठहरा। तो परमात्मा ने तथास्तु कर दी, किया भी बात तेरी मान ली। फिर इसने कहा कि एक और अर्ज है मेरी, कि वह भी बता दे कि पहले मेरे दूत जाएंगे, मेरे संदेश वाहक जाएं और बाद में आपके अंश आए, आपका प्रचारक आए। परमात्मा बोले यह भी बख्श दी तेरे को, कोई बात नहीं। फिर उसने क्या मांगा कि दो प्रार्थना मेरी और हैं, वो भी बता दे कि त्रेता के अंदर मेरा पुत्र जाओगा, राजा दशरथ के घर जन्म लेगा, उसके ऊपर एक आपत्ति आवेगी उसके संस्कार वश, उसकी पत्नी को लंकेश्वर उठाओगा और वो बहुत शक्तिशाली होगा, सभी नीचे के देवताओं को भी अपनी कैद में डाल रखा होगा, उनको छुड़वाने के लिए एक बहाना बनाना पड़ेगा, उसकी पत्नी उठाओगा, लेकिन समस्या आएगी कि वो पुल नहीं बना पाएगा समुद्र के ऊपर लंका में सेना ले जाने के लिए, वो पुल बनवाना आप दया करना। अपना आत्माओं जैसे अब श्री राम और श्री कृष्ण ये विष्णु जी हैं, और विष्णु जी हैं तो परमात्मा की आत्मा, या कोई पद मिल गया तीन लोग की प्रधान बना दिए, अब ये फूले फिरे हैं, सोचे पता नहीं क्या बन गए, इनकी मृत्यु के बाद ये 84 लाख योनियों में आप जैसे प्राणियों के रूप में घूम रहे होंगे यहाँ पर। अब यह सब कह भूल पड़ी, परमात्मा कहते मेरे साथ दो भाई, मैंने सब जग भूल्या पाया, सब कह भूल ला गिरी, एक ना भूल्या दो ना भूले, और भूली सब संसारी, और ब्रह्मा विष्णु महेश देख लो तीनों देवा गरबारी।